हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जा रहे हैं। हमारा एटमॉस्फेयर चार्ज से भरा हुआ रहता है। जब स्काई क्लियर होता है तब हवा पॉजिटिवली चार्ज होता है और धरती निगेटिवली चार्ज होता है। वर्षा होने के समय बादल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज कैरी करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लियर स्काई से इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर बादल से इलेक्ट्रिसिटी हार्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हवा में हर एक मीटर ऊपर जाने पर 100 वोल्ट बढ़ते जाता है, लेकिन यह मात्र 10 पीको एम्प के बराबर इसका एम्पियर होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो चलिए देखते हैं इससे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला पाते हैं कि नहीं। वायर को ऊंचा ले जाने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज करने जा रहे हैं। चार्ज कलेक्ट करने के लिए हम लोग शार्प पॉइंटेड पेंसिल का यूज कर रहे हैं, ताकि इसके पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो सके, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके और वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं। ये हमारा ड्रोन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये धागा रहा, इसके ऊपर रहेगा ड्रोन हमारा और इसके नीचे रहेगा वायर। अर्थिंग के लिए मैं इसमें एल्युमिनियम और इस पेचकस को इस धरती में गाड़ दे रहा हूँ। अब यह ड्रोन उड़ने वाला है। यह ड्रोन थोड़ा सा जैसे ही उड़ेगा, इस धागा को मैं इसमें बांध दूंगा, तो चलिए इसको अब उड़ाते हैं। ड्रोन से उड़ाने पर वोल्टेज मीटर में डीसी वोल्टेज तो ना के बराबर दिखा रहा है और एसी वोल्टेज मात्र 0.5 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अब मैं एक छोटा सा एलईडी लगा करके देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी जल जा रहा है कि नहीं। एलईडी बल्ब थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है। ड्रोन के यूज से तो हम लोग मात्र आधा वोल्ट एसी ही जनरेट कर सके। अब हम लोग काइट का यूज करके वायर को और ज्यादा ऊंचा ले जाएंगे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सके। अब हम लोग इस कपड़े का पतंग बना लिए हैं और इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से खींच करके देखेंगे कितना वोल्टेज हो जा रहा है। एक और धागा है जो पतंग से कनेक्टेड है और दूसरे और वायर है, तो चलिए अब इसे उड़ाते हैं। एक बार जो पतंग से आया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं मीटर से कनेक्ट कर दिया हूँ, और एक वायर धरती से कनेक्टेड यहाँ पर आया है मीटर में, जो अर्थिंग का काम करेगा। अभी 2.5 वोल्ट दे रहा है, बहुत ही मजेदार है। यह एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, जैसे ही ऊपर जा रहा है वोल्टेज बढ़ने लग रहा है। 2.7 तक चला गया, 2.8, 2.9, 2.95, लगभग 3 वोल्ट तक चला जा रहा है। चलिए अब इसमें एक एलईडी बल्ब जोड़ करके देखते हैं जल जा रहा है कि नहीं। यह एसी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मैं डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक रेक्टिफायर लगा दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और इसमें मैं एक एलईडी बल्ब लगा दिया हूँ। तो चलिए अब इसको देखते हैं। एक वायर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ ग्राउंड से, और एक वायर पतंग के वायर से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यह बल्ब जल रहा है कि नहीं। यस, एलईडी जल जा रहा है। यह बल्ब जल रहा है कि नहीं, इस तरह नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर ले जा रहा हूँ, ताकि अंधेरा में दिखाई दे सके कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। हो, देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे ही मैं अर्थिंग का वायर हटा ले रहा हूँ, यह बल्ब एलईडी ऑफ हो जा रहा है, और जैसे ही जोड़ रहा हूँ इसमें अर्थिंग में, तो बल्ब जलने लग रहा है। जल रहा है। ये अब मैं दूसरा एक बल्ब कनेक्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि चल जा रहा है कि नहीं। अर्थिंग वायर सही से कनेक्ट कर। यस, ये एलईडी बल्ब जल जा रहा है, बहुत ही मजेदार है। मैं इसको अंधेरा में ले जा रहा हूँ, ताकि अच्छा से दिखाई देगा। यस, ये बल्ब जल रहा है। छोड़ 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 छोड़
टूट जाएगा। इतना सब सेटअप करने के बाद मात्र 3 वोल्ट प्रोड्यूस हुआ, वो भी एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। और पतंग अब गिरने वाला है, देख सकते हैं अब टेढ़ा हो गया है। ओ गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अभी तो गर्मी का मौसम है, हवा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। काइट का इतना ही ऊंचाई गेन करने के लिए हम लोग लगभग 9 दिन बिता चुके हैं इस एक्सपेरिमेंट में। आगे चल के हवा तेज हो जाएगा तब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छा से करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।